जो कल घटना हुई इतनी खौफनाक थी और दरिंदगी मैं समझता हूँ उसने साफ दिखाई हमको दी है और इन लोगों ने इंसानियत की सभी सीमा पार कर दी। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है और मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हवाने को अंजाम देते हैं उन लोगों की इस सभ्य समाज में इस देश में कोई जगह नहीं है और इस काम को करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। सर पुलिस भी कह रही है कि कहीं लोग 2014 में पाकिस्तान भी होके आए हैं, उनके लिंक जो है इंटरनेशनल लिंक्स है और इस बात की जांच कर रहे हैं, एनआईए भी इसकी जांच कर रही है, इसको कैसे आते हैं? इसकी पूरी जड़ में जाना पड़ेगा, इसके लिए टीम गठित हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इसमें नाम पाकिस्तान से जुड़े संगठनों का भी आ रहा है और इन दोनों के बारे में डिटेल निकल के आ रही है। लेकिन क्योंकि घटना कल हुई है, बहुत दर्दनाक एक घटना थी और ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि राजस्थान में घटना हुई है लेकिन देश के कहीं किसी कोने में हो सकती थी। लेकिन इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और जो भी लोग संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए उखाड़ना पड़ेगा क्योंकि देश के लिए समाज के लिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो बहुत चिंता का विषय है और लोगों में आक्रोश है और मैं समझ सकता हूँ कि अगर इस प्रकार की हत्या कोई करता है और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो रूह बहलाने वाली है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब इसमें तथ्य निकल कर आ रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तार जुड़े हुए हैं क्योंकि कश्मीर पंजाब के साथ साथ राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है और अगर तार जुड़े हैं सड़क के उस पार तो उस पर भी इसको हमको तह कर जाना पड़ेगा और अगर कोई और ऐसे लोग हों जो इन्फ्लुएंस्ड हों या इनके टच में हों तो पूरी एक व्यापक बहुत गहन और बहुत डीप हम लोगों को उसकी जांच करनी पड़ेगी। सर परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त सजा, इसकी मांग यह है कि सख्त सजा हो और सजा भी डिले ना हो, जल्द से जल्द हो ताकि लोगों के सामने उदाहरण पेश हम लोग कर सकें और जो परिवार के लोग हैं उनके लिए जो संभव सहायता है वो सब हम करेंगे। लेकिन ऐसा मैंने कहा इस घटना से और जो दोषी भी है अगर कहीं लापरवाही हुई है कुछ कार्रवाई करी भी है लेकिन अगर और भी कार्रवाई करनी तो करनी चाहिए। इसमें जो भी जिम्मेदार है लापरवाही के लिए इस पूरे हादसे को अंजाम देने में अगर कहीं किसी की कटौती है या कहीं लापरवाही है या कहीं किसी की गलती है तो उसमें बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर कितना बड़ा कोई व्यक्ति अधिकारी हो जो भी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे सिस्टम के ऊपर प्रशासन। सर राजस्थान का कल्चर कभी ऐसा एक टूरिस्ट प्लेस जो है वो माना जाता है और राजस्थान के अंदर ईद के बाद एक इस तरह की घटना आ रही है, क्या समझ पा रहे हैं सेंस क्या ग्राउंड पे आपको मिलती है लोगों? देखिए हम लोग और क्या करा जाना चाहिए उसको राजनीति में है वो और बाकी अन्य लोग हमें देश को पहले एक सामने रखना है और प्राथमिकता हमारा देश, हमारी आर्थिक सुरक्षा, हमारी आपस में हम लोग जो रहते आए हैं और इस प्रकार के जब हादसे होते हैं तो बहुत तरह की सोच लोगों के जहन में फैल जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कोई अगर फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट से कार्रवाई करता है और इस प्रकार के मैं तो उसको आतंकी हमला मानता हूँ और सरकार ने लिखा है कि ये एक तरह से आतंकी हमले के नजरिए से देखना पड़ेगा तो इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इन सभी लोगों का ये दो लोग हैं या इसके बीच और लोग भी हैं इसकी पूरी हमको तहकीकात करनी पड़ेगी और जल्द करनी पड़ेगी, इसके लिए जो संभव कदम उठाने हैं उठाने पड़ेंगे। आखिरी सवाल आपसे सर, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी निशाने पर है, राजस्थान की सरकार निशाने पर है, केंद्रीय मंत्री कई कह रहे हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की है इसका ये फल है, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार है जो और लोग हैं नेता जो हैं वो दिल्ली में ज़्यादा ध्यान देते हैं राजस्थान पर ध्यान नहीं देते, इस कारण से राजस्थान जैसे स्टेट में भी ये चीज़ें हो रही हैं। कल का यह हादसा है और जांच घटित हो गई है, कुछ कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए जस्टिस दिलवाने के लिए न्याय दिलवाने के लिए जो कुछ करना संभव है उसको करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से करना चाहिए।